नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारी फैमिली हो, मेरी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है डिटॉक्स डाइट प्लान। तो डिटॉक्स मतलब क्या है और डाइट प्लान उसमें क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। तो आज की मेरी जो वीडियो का टॉपिक है डिटॉक्स डाइट प्लान, तो ये जो है वो लगातार आपको 21 दिन तक करना है और 21 डे आप करोगे तो आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होंगे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। फैट होगा तो भी बर्न हो जाएगा, रोग होंगे तो भी दूर हो जाएंगे, शरीर में बैक्टीरिया होगा तो भी चला जाएगा और शरीर जो है वो हेल्दी हो जाएगा, शक्ति स्फूर्ति ताजगी से भरपूर हो जाएगा, आप में फुल एनर्जी फील होगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज होना बहुत ही जरूरी है जो हम 700 वीडियो में बता चुके हैं और वो चीज का नाम है एनीमा। तो अगर आपको बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करनी हो तो इसके लिए एनीमा का यूज करना है। हमारे पेट में जितना भी पुराना 10 साल 20 साल पुराना मल पड़ा है, सूख गया है, जो निकला नहीं है, उसमें बहुत सारे कीड़े भी हो गए हैं और उसमें बहुत सारे जर्म्स भी हो गए हैं, तो वो सारे जर्म्स को निकालने के लिए है एनीमा। तो एनीमा सुबह शाम दोपहर रात कभी भी कर सकते हो और अगर आपको एनीमा चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट है, वहां पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो डिटॉक्स डाइट प्लान क्या है, तो इसमें सबसे पहले हमें एक चीज को अवॉइड करना है, वो है गेहूं की चीज, दूसरी है कोई भी अनाज और तीसरा जो है वो मिल्क की प्रोडक्ट। तो कोई मिल्क की प्रोडक्ट पूरी जिंदगी भर नहीं लेनी है। सुबह शाम दोपहर रात कभी भी दूध और दूध से बनाई हुई चीज, डेयरी प्रोडक्ट, इसका त्याग करना है, तभी हमें हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन हम कर पाएंगे। तो जो हमारा डाइट प्लान है वो आपको 21 दिन फॉलो करना है और आपको फिर 21 दिन के बाद यही वीडियो के नीचे आपको कमेंट में लिखना है कि आपको कितना फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ, क्या बेनिफिट्स हुआ, वो आप हमें यही कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में हमें ये करना है कि सुबह में 4 घंटे का निर्जला ड्राई फास्टिंग करना है, फिर उसके बाद 4 घंटे का वाटर फास्ट करना है। हमारा जो ब्रेकफास्ट है उसमें वाटर फास्ट करना है, कुछ भी नहीं लेना है। उसके पहले 4 घंटे का ड्राई फास्टिंग, उसके बाद 4 घंटे का वाटर फास्टिंग। वाटर फास्टिंग मतलब कि आपको सिर्फ पानी पीना है और कुछ पेट में नहीं डालना है। तो ये ब्रेकफास्ट हमारा वाटर से होगा। आपने कभी सुना होगा कि वाटर से भी ब्रेकफास्ट होता है? हाँ, जब भी हम सुबह 4 घंटे पानी नहीं पीते हैं और फिर उसके बाद हम व्रत तोड़ते हैं हमारा उपवास का, तो हमें सिर्फ 4 घंटे तक पानी पे रहना है। ये भी हमारा भोजन ही है क्योंकि पानी ही हमारा आहार है, पानी भी आहार हो सकता है। ट्राई करके देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि सुबह में चाय पियेंगे, दूध पियेंगे, कॉफी पियेंगे, पराठा खाएंगे तो ही सुबह होगी, ऐसा नहीं होता है। फिर इसके बाद हमारा आएगा लंच। तो लंच में आपको एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार पीना हो उतनी बार जूस पीना है। कोई भी जूस, वेजिटेबल्स का जूस या फिर आप जो ग्रीन जूस होता है वो पी सकते हो या तो फिर फ्रूट का जूस पी सकते हो। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन में, मतलब कि बॉडी डिटॉक्स करने में, सिर्फ लिक्विड लेना है और वो है जूस। तो जूस के लिए आपको सुजाता जूसर की जरूरत पड़े तो आप हमारी वेबसाइट से या फिर हमारा जो फोन नंबर है उसके ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ऑर्डर भी दे सकते हो। तो सुजाता की जरूरत पड़ेगी और सुजाता में जूस क्या क्या निकलता है, कैसे निकलता है, इसका हमने डेमो वीडियो 100 बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हो।
ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, लंच हो गया जूस से, अब आ गया हमारा स्नैक टाइम। तो स्नैक टाइम में अगर आपको फल खाना हो तो खा सकते हो, लेकिन कोई भी एक फल खाना है, मतलब कि एप्पल खाते हो तो एप्पल, या तो फिर वाटरमेलन खाते हो तो वाटरमेलन, या तो फिर ग्रेप्स खाते हो तो ग्रेप्स, कोई भी एक ही फ्रूट का सेवन करना है, और वो है हमारा स्नैक टाइम, मतलब कि 4 बजे। अभी आ गया हमारा डिनर टाइम, तो डिनर में हमें सिर्फ और सिर्फ गरम करके सूप लेना है। वो आप चाहे वेजिटेबल्स बॉईल करके बनाइए, कुकर में बनाइए, या फिर पतीली में बनाइए, चाहे कैसे भी बनाइए, तड़का देके बनाइए, मसाला डाल के बनाइए, कोई भी सूप ले सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेट भर के सूप। चाहे एक बाउल पीते हो, दो बाउल पीते हो, दो बार पीते हो, 3 बार पीते हो, उसकी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शाम को डिनर में सिर्फ आपको हैवी भोजन नहीं लेना है, कुछ भी चबा के नहीं खाना है, सिर्फ और सिर्फ आप सूप पी सकते हो। तो सूप में मिक्स वेजिटेबल भी डाल सकते हो, या तो फिर कोई भी एक सूप भी पी सकते हो। तो उसमें आप वेजिटेबल की सब्जी नहीं खानी है, बॉईल करके सब्जी नहीं खानी है, ब्लांच करके भी सब्जी नहीं खानी है, सिर्फ और सिर्फ आपको सूप पीना है। तो सूप की भी रॉ रेसिपी भी है हमारे पास, और आप पका के भी कोई भी सूप ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा डिटॉक्स डाइट प्लान। ये लगातार आपको 21 दिन तक फॉलो करना है। अगर आप 21 डे की ये चैलेंज ले लोगे तो आपका बॉडी जो है वो डिटॉक्स हो जाएगा। फिर जब ये 21 डे की चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हो, तो उस वक्त आपको कहीं शादी में जाना हो तो भी नहीं खाना है, आप कहीं घर पे कोई पार्टी हो तो भी नहीं खाना है, आप कहीं पे भी जाते हो तो ये 21 दिन का व्रत जो है वो आपको अच्छी तरह से फॉलो करना है। अगर आप अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये बॉडी को डिटॉक्स करना है। लोगों को ऐसी आदत होती है, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, रात को खाओ, शाम को खाओ, तल के खाओ, सेक के खाओ, होटल का खाओ, घर का खाओ, बाहर का खाओ, पूरे दिन खाते रहते हैं, और शरीर के अंदर इतने सारे विष द्रव्य, इतने सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं कि इसकी वजह से हमें बीमारियां आ जाती है। डायबिटीज का प्रॉब्लम, मोटापे का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम, पैरालिसिस का प्रॉब्लम, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, इतने सारे प्रॉब्लम, और इतनी सारी दवाइयां नहीं खानी हो तो आप ये डिटॉक्स डाइट प्लान को आप फॉलो कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। और ये बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन पाउडर का भी हमने जो है वो नया रिसर्च किया है कि इसमें 45 इंग्रेडिएंट्स, जड़ी बूटियां, औषधियां मिला के एक पाउडर भी बनाया है, जिसमें बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, और ये 100% प्योर पाउडर है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन पाउडर जो है वो हमने खुद बनाया है, और ये भी आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और इसको 1 स्पून रात को सोते वक्त लेना है, जिससे पूरे शरीर में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होगा, या फिर टॉक्सिन्स होंगे, या फिर विष द्रव्य होंगे, तो उसको डिटॉक्स कर देगा। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो, मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो, या तो फिर आप हमें मिल सकते हो अहमदाबाद के नारायणपुरा में एनडीएस हेल्थ सेंटर पे, यही नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।